सबसे पहले तो मैं समझ जाता हूँ कि आने में 15-20 मिनट देरी हुई। मुझे खुशी है कि आज हमारे रंधावा साहब, हमारे प्रभारी भी मौजूद हैं, हमारे पीसी रिप्रेजेंट दुतासा जी मौजूद हैं, हमारे मंत्रिमंडल के साथी हैं, हमारे तीनों सेक्रेटरी भी मौजूद हैं। और हम लोग जो कल ऐतिहासिक काम हुआ है, जिसको मैं समझता हूँ कि सभी ज़्यादा समझ सकता तो मीडिया वाले, साहित्यकार, पत्रकार समझ सकते हैं, इसके मायने क्या है। जब नरेगा लागू किया गया था तो लोग समझ नहीं पाए थे। जब महात्मा गांधी नरेगा लागू किया था यूपीए गवर्नमेंट वक्त में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया जी ने RTE RTI और फूड सिक्योरिटी एक्ट पर नरेगा जो था, अब देश को मालूम पड़ा है, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था पार्लियामेंट के अंदर, मैंने खुद ने सुना कि ये आपने जो है मां नरेगा शुरू किया है, इसको मैं बंद नहीं करूंगा, इसको मैं कांग्रेस के स्मारक के रूप में रखूंगा। आप कल्पना कीजिए, वही प्राइम मिनिस्टर को बार बार बढ़ाना पड़ रहा है प्रोविजन उसके लिए, स्थिति बनी है। तो कई बातें ऐसी होती जो समझ में नहीं आती अच्छे लोगों को, जो उनको भी नहीं आई थी, प्रधानमंत्री जी को भी नहीं आई थी। फिर अभी वो मणिपुर में बोल गए। आप बताइए मुझे, पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं, 77 दिन हो गए, 77 डेज हो गए, उसके अंदर आपने ये सब नहीं बोला। 50 साल का मेरा अनुभव राजनीति का, अगर एक राज्य में आग लग रही हो पूरे राज्य के अंदर, आग मामूली नहीं हो, आग धधकती आग हो, उसके अंदर आपने जिस रूप में अपने को पेश किया, सुप्रीम कोर्ट के इंडिकेशन मिलते ही, मेरे ख्याल सेकेंडों के अंदर बात खत्म कर दी अपने, सेकेंडों के अंदर। और मुझे अफसोस है कि काम मणिपुर जल रहा है, कितने लोग मारे गए हैं, 150 लोग मारे गए, 200 मारे गए, 500 मारे, किसी को नहीं मालूम है, कोई हजारों की बात कर रहा है। वहाँ का मुख्यमंत्री कह रहा है कि आप तो एक रेप घटना की बात कर रहे हो, ऐसी 100 से अधिक घटनाएं हो चुकी है मेरे राज्य के अंदर, और पता नहीं अब आगे 1000 तो उन्होंने बताई, अब तो फिगर आ रहा है 3-4 हजार FIR लॉन्च हो चुकी है। तो कहने का मतलब है कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने बिहेव किया और जिस प्रकार उन्होंने दुख प्रकट किया और कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मणिपुर, और मुख्यमंत्री को मैं कहना चाहूँगा कि आप वहाँ पर ध्यान रखें। बताइए आप, ये प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के स्वाभिमान पर चोट करी है। कहाँ तो मणिपुर है, जहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, वहाँ क्या नहीं हो रहा है। और वो कहते हैं 140 करोड़ जनता को संतान होना पड़ रहा है, 140 करोड़ जनता को संतान नहीं होना पड़ रहा है। वो तो दुखी है आपके सरकार के कारनामों से, आपकी विफलताओं से, आपकी लापरवाही से। एक बार गृह मंत्री जाके आ गए और तीसरी कर ली, जलते रहे, मरते गए, झोपड़े जल रही है, सब कुछ जल रहा है वहाँ पर। और जो रेप और जो घटना जो आप देख रहे हो, क्या क्या नहीं हो रहा है, उनके बारे में आपने खाली चंद सेकंडों में अपनी बात खत्म कर दी, फॉर्मेलिटी करके। वो खुद नहीं जाते, मान लो PMO मीटिंग बुलाते, बराबर रेगुलर पता करते क्या हो रहा है, प्रोग्रेस क्या है, कंट्रोल कैसे होगा। आप कर्नाटक घूम रहे हो, राजस्थान घूम रहे हो, छत्तीसगढ़ घूम रहे हो चुनाव के अंदर। ऐसा मैंने पहली बार अनुभव किया कि प्रधानमंत्री लेवल का एक गरिमा होती है, प्रधानमंत्री पद की बहुत बड़ी गरिमा होती है। हमारे ऐसा गर्व की बात होती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, दुनिया के मुल्कों में जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वो आदमी मणिपुर हमारा राज्य है ये नहीं बोलना चाहिए, उनकी सरकार है, उनकी सरकार है। अगर वह कांग्रेस सरकार होती तो आप कल्पना कीजिए वो क्या क्या बोलते। तो कहने का मतलब कि ये बातें भी देश में हो रही है, जो बहुत दुखद है। मैं जो